तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये आपके पास रेशनल फंक्शन है, ऊपर से वो प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? ऊपर 0 डिग्री पॉलिनॉमियल है, नीचे 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले पॉलिनॉमियल पे ध्यान दीजिए, तो एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, और वो भी नॉन फैक्टराइजेबल। नॉन फैक्टराइजेबल क्यों है? इसका डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो लेस देन 0 आएगा, है ना, इसलिए कह रहे हैं नॉन फैक्टराइजेबल है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना। और पार्शियल फ्रैक्शन जब भी करते हो आप, तो आपको पता होता है कि फैक्टर क्या हमारे पास नीचे क्या है। चूँकि नीचे लीनियर फैक्टर है अगर, तो ऊपर एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हो, और अगर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो ऊपर जनरल लीनियर फैक्टर एज्यूम करते हो, से बी एक्स प्लस सी 1 + x²। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। कैसे निकालेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 2 = a ((1+x²) एंड प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स 1 - x। अब ये एक आइडेंटिटी एक्सप्रेशन है ना, कोई भी वैल्यू x की रखिए ट्रू है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमारा काम बन जाए, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकाला है। तो x की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो b और c एब्सेंट हो जाएगा, a आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग x = 1, व्हाट्स वी गेट? a 1 + 1 = 2 हो जाएगा, एंड उधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब रही बात bc निकालने की, तो x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, b एब्सेंट हो जाएगा एक्सप्रेशन में, a और c बचेगा, a पहले ही आ चुका है ना। तो क्या रख देंगे? पुटिंग x = 0, व्हाट्स वी गेट? 2 = 0 जाएगा, तो ये a हो जाएगा प्लस b एब्सेंट, c बचेगा, और c इंटू 1 c। अब a तो पहले ही आ चुका था, 1 है, 1 रख दें यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो 2 - 1 = 1, c भी 1 आ गया, इम्प्लाइज c इज आल्सो 1। अब आखिरी चीज़ बची आपकी क्या निकालने के लिए? b निकालने के लिए। तो आप कुछ भी रखिए, सपोज x = -1 रख देते हैं ना। अब आपके पास फ्री एंड है, कुछ भी रखिए, दो तो पता ही है ना। पुटिंग x = -1, क्या हो जाएगा? इधर कांस्टेंट टर्म बचा रहेगा, x से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये -1 रखेंगे 2a आ जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे -b + c हो जाएगा, -b + c, और यहाँ -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हम डिवाइड ही कर देते हैं हर जगह से, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ से हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया, तो ये हो जाएगा a - b + c। अब यहाँ से a की वैल्यू और c की वैल्यू रख देते हैं 1 1, तो 1 + 1 = 2 हो गया, है ना। इधर आएगा आपका -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए तीनों ही आपके 1 आ गए, a b c तीनों 1 आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाल देंगे, आप नीचे कंटिन्यू करिएगा, 1 डाल देंगे यहाँ पे, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है, तो आप प्रोसीड करिएगा नीचे, क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, दैट कुड बी रिटेन एज 1/(1 - x) और प्लस x/(1+x²) और प्लस 1/(1+x²), है ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ, इंटीग्रेटिंग दीज 1, है ना, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग दीज 3 पॉलिनॉमियल। अब देखिए ये तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड 1 - x हो जाएगा, और साथ में x का कोफिशेंट या -1 है, तो डिवाइड करना मत भूलिएगा, -1 आएगा। उसके बाद इसका नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ सकता है, बशर्ते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो ये f(x) / f(x) है, तो क्या हो जाएगा आपका? लॉग ऑफ मॉड f(x), मॉड की ज़रूरत है नहीं, 1+x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मॉड नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan−1 x, तो दैट इज tan−1 x + c, है ना। एक फाइनल काम कर लेते हैं हम लोग, माइनस यहाँ लिख देते हैं, है ना, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।